हमारी मूवी आ रही है म्यूजिक स्कूल. इट्स अ हैप्पी फन फिल्म. इलैयाराजा सर का म्यूजिक है इसमें और इसमें 12 गाने हैं. सो इट्स अ म्यूजिकल एंड इट हैज राजू मास्टर, चिन्नी सर एंड एडम हु कोरियोग्राफ द सॉन्ग्स. पापराज़ हैज मेड अ ग्रेट फिल्म. इट वाज सो मच फन वर्किंग विद शर्मन और शान. मुझे इस फिल्म को करने में बहुत मज़ा आया एंड आई होप आप भी ये फिल्म देखें 12 मई को एंड यू विल लव इट एंड यू एंजॉय इट. कमिंग आउट. आज आपकी फैमिली फिल्म देखने वाली है, कितने बड़े क्रिटिक हैं वो आपके? अरे बहुत बड़े क्रिटिक हैं, उसको तो झूठ बोला ही नहीं जाता. जब अच्छी लगती है तो बोल देते हैं. और सो या आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड कि वो क्या बोलेंगे. और पापा तो बिल्कुल सच बता देते हैं हमेशा और मम्मी भी बिल्कुल सच बोल देती हैं. शर्मन इज एन अमेजिंग एक्टर टू वर्क विथ. आ रहे हैं वो यहाँ पे और यहाँ पे ये रहे हमारे पापा राव सर. वो सुपर कलरफुल, मतलब थैंक यू. समवेयर क्लोज टू हर. या आई सो दैट्स लेट्स गो देयर ना. ओ यू आर टॉकिंग देन. या हाउ गो अहेड फिनिश. सो दैट्स शर्मन. या थैंक यू. वी आर द थ्री इडियट्स. But thank you sir for making a beautiful film. Thank you for making us part of it. Thank you for working so hard. And kitne 12 gaane to dal diye aapne isme. 11 and 1. This is going to be long, never ending. Yeah. Ek chota short. Tu bol de, tu safety ko bula. Bahut bahut shukriya Shreya ki taraf se. Abhi hum log ye photo khinche aur aapko milte show ke baad. Kya karna hai? This film Music School is about the current problem of how society puts pressure on children. Study, study, और उसके किताब के बाहर कुछ दुनिया. बचपन से लेके उसका पूरा बचपना छोड़ देते हैं और उसको कोई स्पोर्ट या आर्ट या ड्रामा करने का, म्यूजिक करने का, कोई म्यूजिक सीखने का कोई टाइम ही नहीं मिलता है. तो ये सब्जेक्ट सीरियस सब्जेक्ट है. बच्चे सुसाइड भी कर लेते हैं क्लास 10, क्लास 12 एग्ज़ाम, इंजीनियरिंग मेडिसिन एंट्रेंस होने के बाद. तो ये सीरियस सब्जेक्ट को कहने के लिए हम एक रास्ता ढूंढा है कि बड़ा एंटरटेनिंग वे में कहना है स्टोरी को, एंटरटेनिंग वे. तो गए तो लोगों में जाएगा अच्छा. तो वो एंटरटेनिंग क्या होगा? म्यूज़िक से, म्यूज़िकल माध्यम से ये फिल्म को बनाया. सो म्यूजिकल माध्यम जब हमारे मन में आया तो इसका म्यूजिक डायरेक्टर हम इलैयाराजा को चुना है. और इसमें 3 गाने वर्ल्ड क्लासिक साउंड ऑफ म्यूजिक का है. तो साउंड ऑफ म्यूजिक के गाने के साथ रहना है तो अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर होना है. तो इलैयाराजा साहब ने म्यूजिक किया है इसका और ये 12 गाने हैं इसमें. और 2 घंटे का फिल्म है, 12 गाना है. बहुत अच्छा स्मूथली चलता है पूरे. गाना ऐसा किया है कि वो ऐसा नहीं है कि ट्रेडिशनल गाना है, जो स्टोरी टेलिंग गाना है ये. सो आप लोग 12 मई को सब थिएटर में जाके देखिए ये. अब हमें अभी तक तो हम OTT का डील साइन नहीं किया तो बहुत देर होगा OTT में आने में. तो आप और ये किरण देवंश बड़ा फोटोग्राफर, इतना अच्छा सुंदर तस्वीर बनाए फिल्म का, आप थिएटर में ही इसको एंजॉय कर सकते हैं. साउंड और हमारा अभी आई विल इंट्रोड्यूस आवर एक्ट्रेस, सीनियर एक्ट्रेस सुहासिनी मुले. और ऐसे
बड़े बड़े एक्टर है सुहासिनी कम कम सुहासिनी और ऐसा नोएल में कर लेंगे आपके साथ ऐसे सीनियर एक्टर्स बहुत हैं बेंजामिन गिलानी है प्रकाश राज है और विनय वर्मा है मोना अम्बियोकर है ऐसे बहुत लोग हैं इसमें लेकिन इसके साथ इतने बच्चे भी है और बच्चे को ऐसा सुनाए कि फिल्म में इनके बीच में और बच्चों के बीच में ना कोई फर्क नहीं पड़े ऐसा ये लोग भी उनको अच्छा आदरण दिया है और हम भी इसको अच्छा देखभाल किया है तो आपको कोई ऐसा नहीं दिखेगा कि ये बड़ा बड़ा एक्टर है और ये बच्चे बच्चे हैं तो इट इज़ वेरी वेल मेड हम लोग तो बोलेंगे बोलेंगे आप जाके देखिए 12 तारीख को आप जाके देखिए और ये कैसा है और थिएटर में देखने का फिल्म है और मैं हमारा सीनियर एक्टर सुहासिनी मूले जी को कुछ ये फिल्म के बारे में बताने के लिए ओके एक मिनट सचिंदर ये पकड़ो जाए मैं आपके सवाल का जवाब नहीं दूंगी मैं फिल्म के बारे में बात करूंगी एक्चुअली हुआ ये कि बाबा राव साहब ने कभी फिल्म नहीं बनाई थी तो जब फर्स्ट टाइम डायरेक्टर आता है कोई स्क्रिप्ट लेके तो लोग थोड़ा सोच के काम करते हैं पर उसका सब्जेक्ट इतना तेज है क्योंकि रोज़ हम देखते हैं पढ़ते हैं कि बच्चों को किस तरह से घोट घोट के कहा जाता है पढ़ो एंड चिल्ड्रन आर अंडर ट्रिमेंडस स्ट्रेस एंड दिस फिल्म एक्चुअली बाबा राव टोल्ड मी दैट ही रेड अ न्यूज़पेपर आर्टिकल about a child committing suicide because they just could not put up with the pressure of giving exams but more than giving exams the other pressure is of the parents every child can't stand first every child can't get 99.9 or 100% it's not possible but every parent wants their child to get 99.9 Every parent wants their child to go abroad. So this film has done an excellent job in capturing that. Ab uske saath baat karo. Well, I've not seen the film, but when I see it, I heard very good reports about this film. And I would like to wish the best of luck to Rao Saab for this film. He has done a very hard work, the result of a very hard work. And definitely, the hard work always pays. All the best. God bless you. Take care. बस यही कहना चाहूँगा कि मैं जैसे फिल्म शुरू हो जाएगी मैं भाग जाऊँगा बाहर और लोग प्रार्थना करूँगा बाहर आकर के लोग एंजॉय कर रहे हैं अंदर और इंटरवल में छुप जाऊँगा कहीं और फिर सेकेंड हाफ में फिर से देखूँगा और फिर सेकेंड हाफ के एंड पे बाहर खड़ा रहूँगा और उम्मीद करूँगा कि लोगों को बहुत पसंद आए फिल्म सभी मेरे सभी फैमिली मेंबर्स ऐसे हैं दे आर प्रीटी ओपन विद मी इन टर्म्स ऑफ हाउ दे फील बिकॉज इट्स आई थिंक दैट द फैमिली मेंबर्स जितने ऑनेस्ट रहे उतना ही आपके लिए अच्छा है और वैसे मैं खुद ही काफ़ी सीवियर हूँ सेल्फ क्रिटिक खुद का ही कुछ कहना चाहेंगे बस लेट्स गो वॉच द फिल्म